डिटॉक्स एक ऐसा शब्द जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही छाया हुआ है। डिटॉक्स ड्रिंक्स, डिटॉक्स डाइट आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग है और जाहिर सी बात है आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा और शायद किया भी होगा, है ना? लेकिन आज मैं आपके साथ में एक ऐसी डिटॉक्स टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और उसे करने के लिए ना ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और ना ही ज्यादा वक्त। और बेनिफिट्स की बात करें तो अनगिनत, जैसे कि वेट लॉस, यंग लुकिंग स्किन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हीलिंग थेरेपी फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के लिए 5 सिस्टम्स हैं, जिसमें आते हैं स्किन, लीवर, किडनीज, बाउल्स एंड लंग्स। तो आज की हमारी डिटॉक्स टेक्निक इन्हीं में से किसी एक ऑर्गन पर फोकस करती है। क्या आप जानना चाहेंगे इस सिंपल सी डिटॉक्स टेक्निक के बारे में? अगर हाँ तो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ईशु और आप देख रहे हैं स्टे स्वस्थ। डिटॉक्स टेक्निक बताने के पहले मैं आपसे कुछ सिंपल से सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाबों में हमारे इस डिटॉक्स टेक्निक का नाम छुपा हुआ है। तो क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि एक डॉग या एक कुत्ता 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है या उसका ब्रेथ रेट क्या है? सोचिए सोचिए। एक डॉग 1 मिनट में 25 से 40 बार सांस लेता है। अब मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि एक रैबिट या खरगोश 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सोचिए। इसका जवाब है, एक खरगोश 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। हमारी एक सांस एक इनहलेशन और एक एक्सहलेशन को मिलाकर बनती है। अच्छा, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि डॉग और रैबिट में से किसका लाइफ स्पैन ज्यादा है या कौन लंबा जीता है? एक डॉग का लाइफ स्पैन 10 to 15 years होता है और एक रैबिट का एवरेज लाइफ स्पैन 9 years तक होता है। तो एक रैबिट जो कि डॉग के कंपैरिजन में बहुत जल्दी जल्दी सांसें भरता है, उसका लाइफ स्पैन डॉग के कंपैरिजन में कम है। क्या आप जानते हैं कि एक टॉर्टोइस या कछुआ कितना लंबा जीता है? नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कछुआ 150 से 200 साल तक जिंदा रह सकता है। रिसर्च की गई कि क्या है कछुए के इतना लंबा जीने का राज। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक कछुआ 1 मिनट में केवल 3 से 4 बार ही सांस लेता है, मतलब उसकी जो ब्रीदिंग रेट है या ब्रेथ रेट है वो बहुत ही स्लो है। क्या आप जानते हैं एक इंसान का नॉर्मल ब्रेथ रेट कितना होता है? हमारा नॉर्मल ब्रेथ रेट 12 से 16 पर मिनट होता है, मतलब हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70 years तक होता है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेथ रेट फास्ट हो जाता है ऐसे। और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। अब तक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। तो जी हाँ, हमारी डिटॉक्स टेक्निक का नाम है डीप ब्रीदिंग टेक्निक, या सरल शब्दों में कहूँ तो सही तरीके से सांस लेना। क्या आपने कभी किसी छोटे से सोते हुए बच्चे को सांस लेते हुए देखा है? जब भी छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट अंदर और बाहर होता है। क्या उतने छोटे बच्चे को कोई डीप ब्रीदिंग या सही तरह से सांस लेना सिखा सकता है? नहीं ना। तो डीप ब्रीदिंग मैकेनिज्म का ये फीचर हमारी बॉडी में इनबिल्ड आता है, मतलब जन्म के साथ आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स, बैड पॉस्चर, डिस्ट्रैक्शंस,
मीडिया, टीवी, गैजेट्स, इन सभी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम अपनी इस नेचुरल टेंडेंसी को खोते जाते हैं और डीप ब्रीदिंग से शेलो ब्रीदिंग करने लगते हैं। हम अपने लंग्स को उनकी पूरी कैपेसिटी तक यूटिलाइज ही नहीं करते, जिसकी वजह से आगे बढ़ते बढ़ते हम बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। और इन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए और आपको रेस्क्यू करने के लिए आता है प्राणायाम, प्राण आयाम। प्राण ऊर्जा का स्रोत, प्राण जिसकी वजह से आपके शरीर में ऊर्जा रहती है, आयाम उसका कंट्रोल। प्राणायाम का अर्थ है अपनी सांसों के द्वारा या अपनी सांसों को कंट्रोल कर अपनी शरीर की ऊर्जा पर कंट्रोल पाना। तो आइए आज सीखते हैं डीप ब्रीदिंग टेक्निक, जिसे अगर आप 5 से 10 मिनट भी कर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी में ट्रिमेंडस मैजिकल बेनिफिट्स देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी गर्दन और पीठ सीधी रखते हुए पद्मासन या वज्रासन में बैठे या फिर सुखासन में आराम से बैठ जाएं। आपकी हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहेंगी या फिर आप ज्ञान मुद्रा में भी अपने हाथों को रख सकते हैं। अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बनाते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। एक गहरी श्वास अंदर और उससे भी लंबी और गहरी श्वास बाहर। अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लें और अपने पेट को एक गुब्बारे की तरह महसूस करें। हर आती श्वास के साथ पेट फूल रहा है और हर जाती श्वास के साथ गुब्बारा पिचक रहा है और आपका पेट अंदर जा रहा है। अपने पेट की इस अंदर बाहर मूवमेंट को हर श्वास के साथ महसूस करें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और उससे भी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक गहरी सांस अंदर लेने पर सबसे पहले आपका पेट फूलता है, उसके बाद आपकी चेस्ट ऊपर उठती है और फिर आपके कंधे हल्के से ऊपर जाते हैं, मतलब आपका धड़ या आपकी अपर बॉडी लंबी होती है। प्राणायाम में एक लंबी श्वास अंदर भरने को पूरक कहा जाता है, सांस को होल्ड करना कुंभक कहा जाता है, पूरक के बाद कुंभक अंतरह कुंभक कहलाता है, लंबी और गहरी श्वास छोड़ना रेचक कहलाता है। प्राणायाम करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी ब्रीदिंग रिदमिक हो और एक फ्लो में हो। किसी भी वक्त आप ब्रेथ को फोर्स ना करें। आइए अब काउंट के साथ ब्रीदिंग सीखते हैं। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6। अब कुछ देर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। एक गहरी श्वास भीतर और उससे भी लंबी और गहरी श्वास बाहर। एक और गहरी श्वास भीतर और उससे भी लंबी और गहरी श्वास धीरे धीरे से बाहर। आइए अब कुंभक के साथ डीप ब्रीदिंग सीखते हैं।
इसे 1:2:3 के रेशियो में परफॉर्म किया जाता है। तो आइए शुरू करें। इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए अब थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग करें। हवा का आना जाना अपनी नासिका पर महसूस करें। जानने की कोशिश करें कैसे सांस अंदर आ रही है और कैसे सांस बाहर जा रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपने फोरहेड के सेंटर पर रखते हुए गहरी श्वास अंदर भरें और एक लंबी श्वास धीरे धीरे से बाहर छोड़ें। इस आनंद की स्थिति को महसूस करें और जब आप तैयार हो तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्म करें और अपनी आंखों को और अपने चेहरे को छुएं। अब धीरे से अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बनाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने हथेलियों को देखें। तो देखा आपने, ये है एक सिंपल सी डीप ब्रीदिंग टेक्निक जिसके लिए ना आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है या किसी चीज को बनाने की जरूरत है या फिर ना ही आपको किसी स्पेशल जगह की जरूरत है। आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। चाहे आप अपने ऑफिस की बोरिंग सी मीटिंग में फंसे हो, तब भी आप कुर्सी पर बैठकर आराम से ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्स के पहले बच्चों को खासकर डीप ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए ताकि वो अपना स्ट्रेस लोअर डाउन कर सके। डीप ब्रीदिंग एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि बॉडी पेन्स को लोअर डाउन करने का काम करते हैं, और ये एंडोर्फिन्स फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं। ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल डिटॉक्स है क्योंकि ये आपके ब्लड से सभी टॉक्सिन्स को, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई कर आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। डीप ब्रीदिंग आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोविड एरा के दौरान हम सभी को अपनी इम्यूनिटी पर खास ध्यान देने की जरूरत भी है। अगर आपको नींद आने में दिक्कत महसूस होती है या इंसोम्निया रहता है तो सोने के पहले आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग टेक्निक आपको डीप स्लीप में लेकर जरूर जाएगी। डीप ब्रीदिंग टेक्निक आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल्स को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप एसिडिटी, हॉट फ्लशेस या इन्फ्लेमेशन से परेशान रहते हैं तो डीप ब्रीदिंग आपकी बॉडी में एसिडिटी लोअर कर आपकी ब्लड को एल्कलाइन बनाने का काम करती है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का एक रूट कॉज है। डीप ब्रीदिंग टेक्निक आपके स्ट्रेस लेवल्स को लोअर डाउन करती है। ब्रीदिंग करने से आपकी बॉडी सिंपथेटिक मोड से पैरासिंपथेटिक मोड में चली जाती है, मतलब कि एक स्ट्रेस्ड मोड से एक रिलैक्स मोड में शिफ्ट हो जाती है और आपके माइंड को काम और रिलैक्स करती है। तो अपने लिए ये 5 से 10 मिनट जरूर निकालें और उसमें डीप ब्रीदिंग जरूर करें, और आज ही से करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए eat healthy, sleep well, breathe deep, exercise, keep smiling and stay swasth.